अब खबर नोएडा से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एसीपी रजनीश वर्मा के नेतृत्व में ये मुठभेड़ हुई है। बदमाशों को पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ा। मुठभेड़ के दौरान एक साथी फरार। घटना को अंजाम देने के लिए घूम रहे थे बदमाश। बदमाशों से दो तमंचा और कारतूस बरामद किया है। थाना सेक्टर 39 क्षेत्र के सेक्टर 37 का ये पूरा मामला। तो लगातार पुलिस के द्वारा अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है और इस मुठभेड़ में भी एक साथी फरार हो गया है। हालांकि घटना को अंजाम देने के लिए घूम रहे थे ये बदमाश और इस दौरान बदमाशों के साथ पुलिस की ये मुठभेड़ देखने को मिली है। बदमाशों से दो तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है। थाना सेक्टर 39 क्षेत्र के सेक्टर 37 का ये पूरा मामला। तो पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ देखने को मिली। इस दौरान एसीपी रजनीश वर्मा के नेतृत्व में ये मुठभेड़। तो बदमाशों को पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ा। मुठभेड़ के दौरान एक साथी फरार। तो ये जो है ताज मोहम्मद से रिजवान ने तुझे मिलवाया? रिजवान मुझे जानता है, मुलाकात हुई नहीं थी। रिजवान बाहर खड़ा हुआ था। तो आज 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 जो है आज आज तीनों चोरी करने के लिए आए थे। फ्लैट देखा, चोरी करने आया था। कौन कौन था तेरे साथ? सर, क्या नाम? ताज था। ताज, ताज मोहम्मद। और बाप का नाम बता दिया। ठीक है, दूसरा? रिजवान। रिजवान, बाप का नाम पता नहीं है। बाप का नाम पता नहीं है। ठीक है, वो कैसे मिले? गाड़ी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशांत, लगातार नोएडा पुलिस अपराधियों का शिकंजा कसने में लगी हुई है और इस दौरान बदमाशों की गिरफ्तारी। देखिए, नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच एक मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश जो घटना को अंजाम देने के लिए दो बदमाश घूम रहे थे, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि मुठभेड़ में एक को बदमाश को गोली लगी और एक कॉम्बिंग में पुलिस जो है प्रयास कर रही है, एक फरार हो गया। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए, पुलिस की तत्परता से कहीं ना कहीं एक बदमाश को गोली लगी और पकड़ा गया। उसके पास से दो तमंचे बरामद हुए, एक बाइक बरामद हुई है और कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा था कि लगातार जो राहगीर हैं उनके साथ लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे और जिसके बाद पुलिस ने घायल अवस्था में उसको अस्पताल में भर्ती कराया है। और उससे पुलिस जो है उसका आपराधिक इतिहास और छलनी करने में जुटी हुई है और जो उसका साथी फरार है उसके लिए भी पुलिस लगातार कॉम्बिंग कर रही है। पुलिस का दावा है कि जल्दी उस जो फरार आरोपी है बदमाश को जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। ठीक है निशांत, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। तो बदमाशों को पुलिस ने दौड़ा कर पकड़ा। हालांकि एक साथी अभी फरार हो गया है लेकिन पुलिस लगातार उसकी तलाश भी कर रही है।